हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आपको पता है फ्रेंड्स, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। नवरात्रि से हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हर तरफ एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, खुशी का माहौल होता है और अच्छे अच्छे खाने बनते हैं घर में। तो हमारे यहाँ जो भी अच्छा काम शुरू होता है तो उसकी शुरुआत हम लोग जनरली मीठे से करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मीठा बनाती हूँ नवरात्रि के उसमें। तो मैंने यहाँ पे देखिए केसरिया बादाम मिल्क की रेसिपी शेयर करी है आप लोगों के साथ, और इसको बनाते हैं, बनता भी फटाफट है भी हेल्दी और मीठा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो चलिए अब हम केसरिया बादाम मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। बादाम मिल्क बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 लीटर मिल्क ले लिया है। दूध कोई भी ले लीजिए, अगर आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि फुल फैट मिल्क ही लेना है आपको, आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गाय का है तो वो भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको बॉईल करने रख देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें अच्छे से एक उबाला दिला लेना है। तो चलिए हम इसको उबलने रख देते हैं और एक अच्छे से उबाला दिला लेते हैं दूध में। दूध को देखिए मैंने बॉईल करने रखा हुआ है, एक अच्छे से उबाला दिलाना है। तब तक बीच में देखिए हम इसको हिलाते रहेंगे, या तो मोटे तले वाला कोई भी आप बर्तन इस्तेमाल करिएगा, जैसे नॉनस्टिक तो नीचे से तला मोटा होता है, पर फिर भी हिलाइएगा जिससे कि ये नीचे लगे ना दूध, क्योंकि दूध ज़रा भी लग गया तो बादाम मिल्क का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। और इसको हमने कोई मलाई तो करनी नहीं इसको, इसलिए हल्का हल्का हिलाते रहिए इस तरीके से। देखिए उबाला भी लगभग आने को तैयार है, तो अब हम इसको सामने खड़े करके करते रहिएगा। आप जैसे ही छोड़ के जाएंगे, अगर दूध उबल के बाहर आ गया तो सारा गंदा होगा, तो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है हमने इसको। चलिए स्टिर करते रहते हैं थोड़ी देर तक, मैं इसको 5 मिनट और कर लेती हूँ। देखिए दूध में अच्छे से उबाला आ गया, इस समय पर हम स्लो फ्लेम पर कर देंगे दूध को, और हमने स्लो फ्लेम पर ही पकाना है दूध को और इसको गाढ़ा करना है। और साइड साइड से ये देखिए इस तरीके से, जैसे ही यहाँ दूध जमे ना, ये देखिए इस तरीके से हम साइड से निकाल के जैसे भी दूध लगे उसको हम हिलाते रहेंगे, बीच बीच में दूध को हिलाते रहना है। अब हम इसको देखिए हमारा एक अच्छे से उबाला आ गया, अब हम स्लो फ्लेम पे रख के इसको 10 मिनट तो कम से कम लगेगा अभी, और तो 10 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। तो जब तक देखिए बाकी की चीज़ों की भी तैयारी कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए हमारा दूध बॉईल हो रहा है उधर, हम लगातार हिलाते जा रहे हैं। अब मैंने देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने 1/2 कप बादाम लिए हैं सोक आमंड्स हैं, इसको मैंने रात भर सोक करके रख दिया था, अब 1/2 कप है, और 1/4 कप ये खरबूजे के बीज लिए हुए, 4 से 5 छोटी इलायची, इनको भी सोक कर दिया था मैंने। अब ये सोक करके बादाम के छिलके उतार लिए मैंने, अब इनको अच्छे से हमने मिक्सर ग्राइंडर में महीन पेस्ट बना लेना है। तो चलिए जब तक कि ये हो रहा है तो हम इनको पीस लेते हैं, अब ये मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे सब चीज़ें एक साथ। दूध को याद रखिएगा आपने हिलाते रहना है। चलिए अब हम इसका अच्छे से महीन पेस्ट बना लेते हैं। जब तक देखिए मैंने इनको पीस लिया अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में, देखिए कितना महीन पेस्ट, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून पानी भी डाला है, आप पानी डालिएगा ज़रूर, बिना पानी के इतना महीन पेस्ट नहीं बनेगा। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया और पीस गया है। चलिए इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और चलिए अब हम तब तक दूध देख लेते हैं कि दूध की क्या कितना हुआ है हमारा और कितना बचा है। हमने एक काम और भी करना है, हमने ये केसर लिया हुआ है, ये देखिए इनको केसर को डाल के अंदाजे से थोड़ा सा 10-12 ये थ्रेड्स लेके इसमें जो दूध उबल रहा है इसी में से 1 से 2 चम्मच दूध ले लेंगे, ये देखिए इसी में से, और इसको डाल के हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए गरम दूध डालिए हमेशा, क्योंकि वो रंग छोड़ता है तुरंत केसर अपना। तो चलिए अब हम बाकी वो पेस्ट निकाल लेते हैं एक बाउल में और दूध को भी चेक करते हैं। देखिए अभी दूध हो रहा है, उबल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा हमें और करना है 5 मिनट के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला था 10 मिनट कर लेते हैं, अभी तो मुश्किल से 5-7 मिनट हुए, तो वही टोटल हमने इसको अराउंड 10-12 मिनट करना है। तो चलिए इसको 5-6 मिनट और कर लेते हैं, और साइड से देखिए मैं बिल्कुल उतारती जा रही हूँ, तो देखिए साइड में बिल्कुल भी नहीं जम रहा है दूध, इस तरीके से करते रहिएगा कंटिन्यूसली। चलिए ये 5 मिनट मैं टोटल और कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गए, अब इसमें जो पेस्ट था मैं धीरे धीरे हल्के हल्के से डाल दूंगी इसमें, और जो मिक्सर ग्राइंडर था उसमें भी काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने इसी में से 2-4 चम्मच दूध निकाल के
उसमें डाल लिया। उसको भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि सारा ड्राई फ्रूट है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, धीरे से नीचे से देखिए दबा के, यू देखिए यू ये सब मिक्स हो जाएगा क्योंकि मैंने पानी डाल के करा, बहुत महीन पेस्ट है। तो ये देखिए थोड़ी देर में ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध के अंदर, और हमने अच्छे से उबाला देना है, 5-7 मिनट इसके साथ पकाना है। और बीच में देखिए मैंने आपको बताया ना इसमें लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था इसमें, तो ये मैं ये भी इसमें डाल दूँगी क्योंकि सारा ड्राई फ्रूट है, हमने इसको वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसको सारा, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा साइड साइड से करके ये सब मिक्स हो जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है। ये 5 मिनट हो गए इसको उबलते हुए, मैं देखिए इसको साइड से भी करती जा रही हूँ कि बिल्कुल दूध जमे ना, ये देखिए। और इसके बाद आप, हमने 5 ही मिनट हुए अभी, इसके बाद हमने ये जो केसर रखा था ये डाल देंगे, थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, केसर डाल दिया। अभी केसर दूध में अपना अभी रंग और छोड़ेगा, दूध में जाने के बाद उबलेगा। तो अब हमने इसको फिर जो मैंने 10 मिनट बोला था, अब 5 मिनट, अब हमने इसको केसर डालने के बाद अब इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। पर आप स्टिर करते रहिएगा, लगे ना दूध, ज़रा सा भी कहीं लग गया आपको पता नहीं चला। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो रही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीच बीच में आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर लीजिए, पर सामने खड़े होके हिलाती रहिए, थोड़ा हाई फ्लेम करिए फिर स्लो फ्लेम कर लीजिए, तो थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम इसको 5 मिनट कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट और हो गए, हमारा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से हो गया है, बादाम मिल्क बिल्कुल मतलब तैयार हो गया है, दूध रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए शुगर 1 किलो दूध है, तो मैंने इसमें 1 छोटा कप शुगर का डालना है, ज़्यादा नहीं डाल दिए अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, और अगर आप मीठा नहीं खाते तो आप इसमें अपना अलग से निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा स्टीविया डाल सकते हैं कुछ ड्रॉप्स, और अगर आपको लगता है तो इसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं, खजूर आता है सॉफ्ट वाला, उसको पतला पतला काट लीजिए और उसमें नेचुरल मीठा आ जाता है उसमें, तो वो डाल सकते हैं आप, और अगर शुगर आपको अगर अवॉइड करनी है तो। चलिए इसको अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए, बस एक अच्छा सा उबाला, उसके बाद टोटल 2 मिनट हमने इसको उबाल लेना है। देखिए दूध बॉईल हो गया अच्छे से, आप देख रहे होंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने देखिए इसमें मखाने ना, ये थोड़े से सोक करके रखे थे, छोटे छोटे मखाने हैं साबुत, इसको तोड़ना नहीं है, कोई हम मखाने की खीर नहीं बना रहे, पर ये थोड़े से मखाने इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा पहले आप 10-15 मिनट पहले भी भिगो दीजिए, और बाकी ये तो खुद गर्म दूध है, बस थोड़े से मखाने डालने हैं इसमें, और थोड़े से टोटली ऑप्शनल, ये भी मखाने भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं आपकी चॉइस है। देखिए ये मैं थोड़ा सा पिस्ता सादा वाला, और थोड़ा सा मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से मैं डाल देती हूँ इसमें, थोड़े से डालेंगे, थोड़े गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, ये थोड़े से डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा बस बादाम मिल्क रेडी हो गया है सर्व करने के लिए बिल्कुल। ये मखाने आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें बीच बीच में। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल बादाम मिल्क रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, आप भी इसको बनाइए और अब खुद भी पीजिए और सबको पिलाइए। देखिए फ्रेंड्स हमारा नवरात्रि स्पेशल बादाम मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको आप किसी भी अपने व्रत में बना सकते हैं, बनाना भी आसान है और बहुत अच्छा लगता है। व्रत में खाना खा खा के बाद में आपका मन करता है कि थोड़ा फ्राइड हो जाता है कि थोड़ा सा मीठा खा लिया जाए, और मीठे के लिए भी मैंने आपको ऑल्टरनेट बता ही दिया है, आप चाहें तो खजूर डाल सकते हैं, और मीठा नहीं लेते तो आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं अगर लेते हैं तो, नहीं तो कोई, ये वैसे भी एक बार बताएं अगर आप इसमें शुगर ना भी डाले ना, दूध का जो अपनी मिठास होती है ड्राई फ्रूट वो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जिस तरीके से पीना है, चीनी डालनी है,
या खजूर डालना है या ऐसे ही पीना है, हर फॉर्म में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्दी है। व्रत के टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं होता तो वीकनेस हो जाती है, तो ये दूध बनाइए और खुद भी पीजिए और सबको पिलाइए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी फटाफट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।